जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने वर्ब के टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने वर्ब को डिस्कस किया था, तो वर्ब को पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, इसमें वर्ब के फॉर्म डिस्कस की थी, रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म। अगर आपने रेगुलर फॉर्म वाली और इरेगुलर फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देख लीजिएगा। अब इस वीडियो को देखने के लिए इसमें क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब को मज़ीद डिटेल से, यानी कि एक्शन वर्ब इसमें डिस्कस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम इन ट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें एक्शन वर्ब्स की, तो एक्शन वर्ब से पहले वर्ब को थोड़ा मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने उर्दू में पढ़ा कि वर्ब होता क्या है, ऐसा वर्ड जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए, यानी कि काम का होना या सहना, एक्शन का होना या सहना। तो अब एक्शन वर्ब को वॉच बर्न, ये तमाम किसको शो करते हैं, एक्शन वर्ब को शो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें बाकायदा एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, इसके लिए थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। ये बी से बनने वाले तमाम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इस एम आर वाज वर हैज हैव हैड, ये किस चीज़ को शो करते हैं, डू से और हैज से। देखिए अगर हम बात करें बी की, तो बी किसी भी चीज़ के होने को जाहिर करता है, लाइक एस मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, तो बी की कौन सी फॉर्म यूज हुई, एम। अगर हम बी की फॉर्म की बात करें तो इस एम आर से बात प्रेजेंट की बात होती है। अगर हम प्रेजेंट में बात देखें तो ईमानदार हो, तो इसकी हम क्या करेंगे, यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। वो बीमार थे, क्योंकि इसमें पास की बात आ गई है। इस एम आर किस में शुरू होता है, प्रेजेंट में, पास पर पास में, और हैज है प्रेजेंट में बट हैड पास में, लेकिन ये तीनों वर्ड जो हैं ये किसको शो करते हैं, ये पोजेशन को शो करते हैं। तो वो बीमार थे, दे, वो की इंग्लिश क्या है, दे, वो की इंग्लिश तो शी भी होती है, ही भी होती है, लेकिन ये हमारा सेंटेंस में अगर बात हो रही है सिंगल फीमेल जेंडर की तो हम शी यूज़ करेंगे, बट अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल मेल जेंडर की तो हम ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दे। वो बीमार थे, दे वर इन, वो नेक हैं। अब इसमें दोबारा से हैं आ गया है, प्रेजेंट की बात है, तो क्या यूज़ करेंगे, वो नेक हैं, दे, वो भी इंग्लिश क्या होगी, दे आर पायस, ठीक। हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम घर में ही थे। मैंने जैसे कि आपको कहा इस एमआर पास का प्रेजेंट और पास भी शो करते हैं, इन्हीं की नेगेशन बनाने के लिए, इन्हीं की नेगेटिव सेंस बनाने के लिए हम इन वर्ड्स के बाद, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद, इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाएंगे। हम घर में ही थे, अगर इसी सेंटेंस को हम सिंपल में करें तो क्या लिखेंगे, वी वर एट होम, तो बट यहाँ पे नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, वी वर के बाद नॉट लगाएंगे, वी वर नॉट एट होम। आफ्टर दैट अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसके पास कलम था, अब इसमें भी था आया है, प्रीवियस सेंटेंस में भी था आया है, लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा और करें तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में पोजेशन को शो किया गया है, इस सेंटेंस में पोजेशन को शो किया गया है। इसके पास कलम था, तो था है, अगर यहाँ पे है होता तो ही हैज अ पेन, अगर यहाँ पे था है तो क्या कहेंगे, ही हैड अ पेन, ही हैड अ पेन। देखिए बेटा इसके पास से मुराद ना तो हमें वाजह है कि शी है ना ही है, तो आप यहाँ पे शी भी ऐड कर सकते हैं, ही भी, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्लियर नहीं है। मेरे पास कॉपी थी, आई हैड कॉपी, इसी को अगर हम प्रेजेंट करते हैं, मेरे पास कॉपी है, तो आई हैव अ कॉपी या नोटबुक भी आप कह सकते हैं। तो देखें इसमें
दो हेड वाले सेंटेंसेस थे, मैंने अभी इसको कॉपी है को हैज में चेंज किया, प्रेजेंट में चेंज करके आपको दिखाया। इसी को अगर आप पास्ट में चेंज करें तो आप हैड पुट कर देंगे। बच्चे के पास खिलौना था, द बेबी हैड अ टॉय। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं? बहुत इजी है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, वो एक्शंस होते हैं जिनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब्स विच नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इफ वी सर्च आउट द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, तो लाइक एस आई राइट द लेटर। तो राइट क्या है? लिखना है। क्या लिखा? लेटर लिखा। देखिए मेरा जो एक्शन था वो क्या था? राइटिंग करना। तो राइटिंग करना से मुराद को क्या राइटिंग करना? जिसमें बट आंसर ना दे पाए, बट क्लियर ना हो, तो वो क्या होता है? वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। उसके बाद शी क्रॉस द स्ट्रीट, तो शी क्रॉस, क्रॉस यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है? ट्रांजिटिव एक्शन है, क्योंकि क्या क्रॉस किया? फुटपाथ को क्रॉस किया, स्ट्रीट को क्रॉस किया, पुल को क्रॉस किया, कैनाल को क्रॉस किया। तो ये हमें इसके लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद इंट्रांजिटिव की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? वो वर्ब होता है जिसको परफॉर्म करने के लिए, जिसको हमें सेंस को क्लैरिफाई करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। शी स्लीप्स, वो सोती है। तो अब शी स्लीप बस सोना से सोना क्लियर है, इसके लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। यू वर्कड हार्ड, तो इसमें हार्ड एज अ ऑब्जेक्ट नहीं है। यू वर्कड हार्ड, तुमने सख्त मेहनत की, तो इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।